हम आज हम फाइनेंशियल फंक्शन में एक और प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ आ गए हैं और इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि जैसे लास्ट टाइम आपने ये सीखा था कि एक एक अमाउंट के ऊपर आप इंटर करते जा रहे थे, फिर उसका इंटरेस्ट रेट चेंज करते जा रहे थे, ड्यूरेशन चेंज करते जा रहे थे, तो आपको इंस्टॉलमेंट पता पड़ रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट्स की डिफरेंट मंथ्स के हवाले से इंस्टॉलमेंट यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये जानने के लिए हमने एक और अपनी क्लास रिकॉर्ड की है और इस क्लास में हम इस्तेमाल करने वाले हैं डेटा टेबल। डेटा टेबल के जरिए हम ये काम ले सकते हैं। डेटा टेबल से ये काम क्यों ले सकते हैं? देखिए, डेटा टेबल किसी भी फॉर्मूले के पैटर्न को रिपीट करना जानता है। इस कमांड का फंक्शन ये है कि आप किसी भी फॉर्मूले के पैटर्न को रिपीट करा सकते हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा समझते हैं कि इसमें किस तरह कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपको ये मालूम करना है कि 2 लाख रुपए का अमाउंट है, 20% है, 24 मंथ्स के लिए लिया गया है, तो उसकी पेमेंट किस तरह मालूम करेंगे, तो आप यहां से जाएंगे फॉर्मूला में और फाइनेंशियल फंक्शंस में जाके यहां से एक फंक्शन लॉन्च करेंगे जिसका नाम है पीएमटी। जैसे आप वो फंक्शन लॉन्च करेंगे पीएमटी, तो क्लिक करके आप यहां से रेट पर रेट बताएंगे, इंक्रीमेंट पर में एन पर बताएंगे, ड्यूरेशन बताएंगे और प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू बता के रेट को डिवाइड करेंगे 12 से। जैसे ही रेट को डिवाइड करेंगे 12 से तो आपको यहां पे पता चलता है अमाउंट यानी कि इंस्टॉलमेंट पर मंथ की, जो कि 24 पे करनी है। सेम प्रोसीजर आप यहां पर निकाल लें। यहां पे क्यों निकाल लें? क्योंकि इसी पैटर्न को फॉलो करा के हम इन चीजों को करने वाले हैं। तो ये गया मैं फाइनेंशियल फंक्शंस पे। अभी आप कोई फंक्शन अगर यूज कर लेते हैं तो लास्ट टाइम आपको फंक्शन पीएमटी यहाँ पे नजर आ जाएगा रिसेंट यूज में, और सेम प्रोसीजर अप्लाई कर दें कि आप पेमेंट में जो है रेट में रेट बता दें, एन पर में एन पर बता दें और प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू बता दें, इसके बाद आप उसको रेट को डिवाइड कर दें 4 से। तो ये आपको इंस्टॉलमेंट पता चल गई। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत सिर्फ इसीलिए है ताकि आप अभी इसके जरिए इसी फॉर्मूले के जरिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूले के जरिए यहां पर से इन सब के लिए इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करा सके। याद रहे कि आपने लोन अमाउंट जितना भी इंटर करना है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट लोन अमाउंट डाले 1 लाख 2 लाख से लेकर 10 लाख तक के, और यह डिफरेंट अमाउंट में डाल सकते हैं, ये नेगेटिव में डालने यानी कि माइनस के साथ डालने हैं। अब आपने क्या करना है पहले याद रखे, ठीक है, जोर से सुनिएगा। ये जितना भी अमाउंट है ये सब हमने कहां लिखा हुआ है? कॉलम में, ठीक है। ये है क्या? लोन अमाउंट है। ये क्या है? लोन अमाउंट। इसमें लिखा हमने कॉलम में, तो लोन अमाउंट हमने कहां लिख दिया? कॉलम के अंदर। यहां पे याद रखिएगा कि लोन अमाउंट वाला सेक्शन जो है वो कहां पे आ रहा है? कॉलम के अंदर। और ये जितने भी क्या है, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे ड्यूरेशन है, ठीक है। ये ड्यूरेशन यानी कि मंथ में है, और ये किस में लिखे हमने? ये हमने लिखे रोज में। इसमें लिखे रोज में। तो अब ये ध्यान में रखना है कि लोन अमाउंट हमारा कॉलम में है और ड्यूरेशन हमारा रो में है। और उसके साथ साथ आपने यहां से ये जो आपने किस्त निकाली इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और फिर ऐसे सिलेक्ट करना है, और फिर आपने जाना है डेटा में, और डेटा में जाने के बाद यहां से लेना है डेटा टेबल, जो कि आपको व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर मिलेगा डेटा टेबल। जैसे ही डेटा टेबल लॉन्च करेंगे तो अब आपने वही जहन में बात रखनी है, आपसे पूछा है रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल, यह फार्मूला लगा है, यह फार्मूला लगा है, ये बताओ कि रो कौन सा सेल के, कौन से सेल को एज अ रो के तौर पे यूज करूं, किस सेल को मैं कॉलम के तौर पे यूज करूं। तो याद रखे आपका लोन अमाउंट किस में आ रहा है? कॉलम में आ रहा है, और रो में आपका क्या आ रहा है? ड्यूरेशन यानी कि मंथ। तो आपने रो में क्या बता देना है यहां से रेफरेंस करके? ड्यूरेशन। और कॉलम में क्या बता देना है आपने? लोन अमाउंट, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला इन्हीं पर अप्लाई हो रहा है, और यहीं से इस पैटर्न को फॉलो करके ये भी कॉलम और रोज को इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके आपकी इंस्टॉलमेंट निकाल लेगा। और जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए सबकी इंस्टॉलमेंट आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो ये देखिए ये इंस्टॉलमेंट निकालने का बेहतरीन तरीका है। और अब आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि 1 लाख का अगर अमाउंट लिया जाए, तो अगर आप कंपेयर भी करना चाहते हैं तो कर ले, देखिए 2 लाख के ऊपर 24 महीने में कितनी की इंस्टॉलमेंट बन रही है? 10,179 रुपए, 10,179 रुपीज, यहाँ पे भी ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इस किसी को भी ये प्रिंट करके जब पर्चा दे देंगे तो क्लाइंट को समझने में बड़ा आसानी रहेगा कि मैं अगर 1 लाख का कर्जा लूंगा 24 महीने के लिए तो पर महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, 36 महीने के लूंगा तो ये होगी, 48 महीने के लूंगा तो ये होगी, 60 महीने के लूंगा तो ये होगी, 70 और 72 महीने के लूंगा तो ये होगी। इस तरह अगर 8 लाख का कर्जा लूंगा 48 महीने के लिए तो मेरी महीने की इंस्टॉलमेंट
ये होगी। इसी तरह डेटा टेबल को और भी तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे फ्यूचर वैल्यू मालूम करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, इंटरेस्ट रेट मालूम करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। मतलब डेटा टेबल का फाइनेंशियल फंक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन डेटा टेबल की अच्छी बात यह है कि ये किसी भी फॉर्मूले को पैटर्न को फॉलो करता है, और अगर आपको ये समझ में आता है तो इसी तरीके से आप अपने बड़े से बड़े टास्क को इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसका क्या करें, तो भाई इसका कुछ भी करें, आप एक दफा जब आपका काम हो गया इन सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद होम में जाए, इसको कहें कॉपी, और यहां से कह रहे हैं पेस्ट वैल्यूज, वैल्यूज पेस्ट हो गई, उसके बाद आप चाहे तो उसको डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रिप्ट का। ठीक है, आपने अपनी शीट कंप्लीट कर ली है, स्क्रैच को सेलेक्ट करके यहां से मर्ज कर दें, और मर्ज करके आपकी जो भी फॉर्मेटिंग है वो उसके ऊपर कर लें। ठीक है, इसको करके देख लें, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह।